कोपरखैने थाने की क्राइम डिटेक्शन टीम ने मादक पदार्थ के तस्कर इस्मास को किया गिरफ्तार। कोपरखैने थाने के डीबी स्क्वाड के पदाधिकारी दशरथ विटकर, एस जादव, वालेराव और काले कोपरखैने थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हुए 20 तारीख शाम को बालाजी सिनेमा कोपरखैने की गली में आरोपी रमेश साहेबराव शिंदे बालाजी सिनेमा के सामने जौपड़ पट्टी में 2 किलो 863 ग्राम रुपए कीमत का माल बरामद हुआ। कोपरखैना पुलिस स्टेशन में गुना क्रमांक 491/2022 NDPS अधिनियम की धारा 8C 20B के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। हमारे सिरे के आगे दोस्त है तो एक माइटी बड़ी थी जहाँ की थी इस पानावास से एक आदमी आकर यहाँ पे गांजे के डीलर करने वाले उन्होंने इसके तहत ट्रैप लगाते हुए किसान को रमेश साहब और शिंदे फुटपाथ पर बैठे हुए पकड़ा है और उसके पास से 2 किलो का गांजा हम लोगों ने बरामद किया है। इसके ऊपर डीपीएस एक्ट कलम 8 और 8 के अनुसार हम लोग आगे आगे कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा जो गुना है वो रबड़ MIDC में पुलिस नाईक रोहन वैती उनके कवर से किया है। इसमें जो सीनियर PI सुधीर पाटिल इन्होंने एक अच्छा ट्रैप लगाते हुए आरोपी किशन लक्ष्मण सिद्धार्थ आनंदे इसके पास से 2 किलो 10 ग्राम का गांजा जब्त किया है। बाद में भी हम लोगों ने NDPS एक्ट के कदम लगाते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की है। इसका एक खराबी आरोपी है बन्नी उर्फ गणेश शिवराज कांबे उसका भी इसमें क्या हो रहा है वो निष्पन्न करके उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर किसको बेचने आए थे गांजा कुछ पता चला है? किसको बेचने आए थे ये लोग गांजा? नहीं उसका भी देखने का में पता चला है। बिक्री के पहले ही कार्रवाई करना कितना आप इसको कंट्रोल के एंगल से देखते हैं? हम लोगों ने अभी थोड़ा सा टारगेट इसका चेंज किया है। वो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब पकड़ना मुश्किल हो जाता है और क्वान्टिटी भी ज़्यादा नहीं मिलता। तो हमारे कुछ लोग और सीनियर PI भी गए कुछ दिनों से उसके पीछे थे और जो लोग सप्लाई करते हैं वो सप्लाई करने वाले लोगों की पैसे निकाल के हम लोगों ने सप्लाई करने से पहले ही उनको आधे में दिया है और सब उनको जमा उसमें बराबर किया। सर आरोपी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? ये लोग अभी बाहर के बाहर से आते थे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसके पहले और उधर जहाँ से लोग आते हैं उधर कुछ महीने जाकर रहते हैं इसकी। ओके सर।